गाड़ियों को रवाना किया, क्या पूरा क्या करेंगे? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सी मेडिकल सुविधाएं जो है उनकी कमी महसूस हो रही है शहर के अंदर और पूरे ज़िले के अंदर, तो उसको देखते हुए सरकार के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो जनता के द्वार पे काम करेंगी, यानी कि हेल्थ एट द डोर स्टेप्स। उसी कार्यक्रम के तहत 17 टीम्स इस प्रकार की बनाई गई हैं, जिसमें पूरे ज़िले को मुख्य भागों में बांटा गया है और उसके अंदर सारी टीम्स बारी बारी से अलग अलग गांवों में जाएंगी, सभी सरपंचों के साथ में उनको लिंक किया गया है और ये टीम्स जो है इनके अंदर डॉक्टर उपलब्ध होंगे, इसके अंदर फार्मासिस्ट होंगे और सपोर्ट स्टाफ होगा और उनका काम ये होगा कि किसी को भी कोरोना से संबंधित इस प्रकार के कोई लक्षण होते हैं तो उनको देखा जाए, साथ में थर्मल स्कैनर्स उनको दिए जा रहे हैं, उनकी जांच की जाएगी। इसके अलावा अगर लगता है कि किसी के अंदर कोई ऐसी तकलीफ है जो ना केवल कोरोना से संबंधित बल्कि कोई भी ऐसी तकलीफ नज़र आती है जो कि इलाज मांग रही है, जैसे किसी को खांसी बुखार जुकाम के अलावा कोई ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी को हो सकता है कि कोई शुगर की समस्या हो, इस प्रकार की जो भी समस्या नज़र आती है, जो भी रोगी हमारे पास आएंगे, डॉक्टर्स को यही निर्देश है कि उनको उससे संबंधित वो दवाइयाँ द्वार पर ही उपलब्ध कराई जाए और ये टीम कोशिश है कि किसी को भी इस प्रकार की कोई रोगी है उसे अस्पताल ना आना पड़े। जब तक लॉकडाउन रहेगा ये सुविधा द्वार पर ही उपलब्ध रहेगी, और लेकिन ये कि हमारी क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो रिसोर्सेज अब लिमिटेड हैं, इसीलिए एक रूट मैप बनाया गया, रूट के हिसाब से चलेंगे। रूट मैप सभी पार्षदों के साथ में और सभी सरपंचों के साथ में शेयर किया जा रहा है और बारी बारी से हम सब लोगों तक पहुंचेंगे और ये सुविधाएं द्वार पर दे पाएंगे। सर कितनी गाड़ियां चलाई अभी? कुल मिलाकर 17 गाड़ियां ऐसी हैं जो कि उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें से 7 गाड़ियां मुख्यतः 3 क्षेत्र के लिए रखी गई हैं, क्योंकि वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और कंटेनमेंट जोन में मूवमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, तो 7 गाड़ियां 3 क्षेत्र के लिए हैं, 10 गाड़ियां बाकी जो हमारा पलवल सब डिवीज़न है और जो होडल सब डिवीज़न है दोनों के लिए कार्य। कितना स्टाफ इसमें रहेगा? इसके अंदर लगभग आप कह सकते हैं कि 68 लोगों को लगाया है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, सपोर्ट स्टाफ भी है और उनको रोटेशन वाइज रोटेट किया जाएगा और जो भी उनकी फीडबैक आता है उसके हिसाब से, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये प्लान कि ऐसा ही रखना है और इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ज़रूरत के हिसाब से इसे बदला भी जा सकता है, अगर और सुविधाओं को ऐड करने की जरूरत होगी और कुछ ही और किसी प्रकार की दवाओं को देने की आवश्यकता लगेगी तो उसे भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जी डॉक्टर।